यहाँ पे पूरा लोहाघाट यहाँ से दिखता है। और देखो भाई वहाँ से बादल बादल है और किस तरीके से व्यू आ रहा है। और उस साइड पे शायद आशीष भाई का घर है, ऊपर की साइड पे वहाँ पे सामने आशीष भाई का घर है। और यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन दिख रही, यहाँ से सीधा देखो बहुत सारे वीडियोस आशीष भाई ने इस लोकेशन पे बनाए। तो भाई वहाँ तो बहुत इतना ऊपर है ना कि यहाँ तक हमें आने में इतनी दिक्कत हुई भाई कि पूछो मत। यहाँ से इतने में आने तक हमारा एकदम पूरा हाल हो चुका है। तो सोचो यार जो डेली रेगुलर यहाँ से अप डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं स्कूल में बच्चे वगैरह और मार्केट वगैरह में सब सामान खरीदने, वो कैसे जाते होंगे भाई। तो यहाँ के जो भी लोकल्स हैं ना भाई उनको दिल से सलाम भाई, क्योंकि यार इतना डेली वो लोग अप डाउन करते हैं ऊपर से नीचे भाई। और तो और पहाड़ों में ऊपर साइड पे जो घर है ना वो लोग कितने, यार हम तो सोच के यार यूँ विचार में पड़ जाते हैं भाई कि यार कैसे भाई। आज का अपना कैंपिंग सेटअप यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे डाका डालना है सुगन भाई। हाँ भाई अभी पूरी रात ये एरिया हमारा ही हुआ भाई, आज रात को यहाँ पे क्या होगा छोटू देखते हैं क्या होता है। आज रात को ये हमारा इतना सा घर है, यहाँ पे टेंट लगाएंगे भाई और बढ़िया सी धमाल मचाएंगे। धमाल नहीं मचाएंगे भाई, आसपास लोग भी रह रहे हैं नीचे भी रह रहे हैं, तो यार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बढ़िया मजा आएगा आपको। तो फिर आज यहीं पे कैंपिंग हुई भाई अपनी। और यहाँ से यार आसपास का लुक है ना भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, पीछे चारों की ओर एकदम से बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे ऐसे लग रहा है भाई यहाँ पे कोई मकान मकान बना के यहीं पे अपना जो है बेरा जमा दे। वैसे यहाँ खाने में क्या बनाएंगे तो मजा आएगी खाने में। खाने में वो तो हम कुछ भी बना लेंगे, तो यहाँ पे खाएंगे तो मरिया मजा यही आएगी भाई, इसमें क्या दिक्कत। कुछ अच्छा वाला बना हुआ ये रहा अपना टेंट। हाँ कुछ बढ़िया ही बनाएंगे भाई। ने यार पूरा हाल खराब कर दिया भाई। तो भाई रात को क्या दिक्कत होने वाली है, अभी से इतनी ठंड है लगता है थोड़े दिनों में यहाँ पे बर्फबारी होगी भाई तकड़ी वाली। बर्फ तो होगी सही बात है भाई। वैसे ज्यादातर अक्टूबर या दिसंबर महीने में बर्फबारी होती है। हाँ तो अक्टूबर ही तो चल रहा है भाई, अक्टूबर में ही होगी शायद, क्योंकि ओस भी ज्यादा है सब। ये आ गया अपना टेंट ले। क्या हुआ ये क्या हुआ यार, ध्यान रखो भाई अपना सस्ता वाला है, अभी तक अपनी ब्रांड बनी नहीं है, बनानी बाकी है भाई। अरे यार अपने सब्सक्राइबर लोगों का सपोर्ट रहा तो बना लेंगे भाई अपनी ब्रांड भी। वो तो सपोर्ट कर रही है रहे। फिलहाल अभी तो शाम हो गई। फिलहाल अभी तो शाम हो गई और सनसेट सूरत भी नहीं दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे मच्छर वगैरह हैं और ठंड भी लग रही है, तो सबसे पहले खाना तो बाद में बनाएंगे यार, लेट अभी से क्या यार शाम को खाना बना लें। तो कैंपिंग क्या हुई यार, तो सबसे पहले आग जला के थोड़ी बहुत सेक वगैरह कर लेंगे, क्योंकि यार फिर है ना ओस आती है ना इसी वजह से रात को लकड़ियाँ जलाने में बहुत दिक्कत होती है भाई। ठंड तो बहुत है भाई भाई। और अभी रात को तकरीबन 10 बजे है भाई, क्योंकि कैंपिंग के असली मजा तो रात को है भाई। अगर शाम को आके खाना वाना बना के चले जाएंगे तो फिर क्या कैंपिंग क्या एडवेंचर क्या भाई। तो कैंपिंग तो भाई रात को ही होगी। तो शाम को आए थे तब यार थोड़ी बहुत यहाँ पे लकड़ियाँ जला रखी थी सेक वेक के लिए।
तो बहुत ज़्यादा है भाई, ठंड तो मेरे को भी लग रही है। ये कैमरा चालू करके यहाँ पे आ गए, ठंड लग रही है यार। इसे थोड़ी चलेगा भाई, क्या कर रहा है तो? और क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो बर्फ गिरेगा यहाँ पे। अरे भाई बर्फ क्या, ठंड लग रही है, 12 बजे तो क्या करेगा, अकेला बैठेगा यार। ठंडा ठंडा फोन आ रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठंडा फोन तो हमको भी आ रहा है। अरे भाई अपना काम चालू करो यार, चलने उबल गए होगी। अरे भाई चने तो पूरे फूल गए होंगे। इधर से खोले, हो गए भाई। आज तो खाने में मजा आया। ये कच्चे कच्चे खाते हैं, नहीं कच्चे नहीं खाते यार। मैं भाई तुम अपना काम चालू करो यार। चलो मैं अपना काम चलता हूँ। आ रहा है यार, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो यार। चलो चलो ना यार, ऐसा करो यार। कभी सोचा नहीं था कि उत्तराखंड के जंगल में इससे बना के खाएंगे। गाइस यू देखना व्यू, उत्तराखंड का लोहागढ़ का। और देखो गाइस, अरे भाई ये कौन सा जादू, देखो भाई क्या ही आवाज आ रहा है। चलो चलो चलो, आज का अपना कुकिंग का अरे मजा आएगा भाई, खाने का मजा आएगा यार। यहाँ पे बाहर बैठ के खाएंगे यार, तुम चिंता क्यों करोगे भाई। आलू भी डाल देंगे अपने, चने तो बहुत हो रखे हैं, कोई बात नहीं, आगे जाके काम लगेंगे भाई। उबाल के खाने में भी और बढ़िया मजा आएगा इसको। चने बहुत ज्यादा हो गए, आज बढ़िया वाली पार्टी बनेगी भाई यहाँ पे। और खाना बहुत डिलीशियस बनेगा भाई, क्योंकि पहली बार कैंपिंग में बना रहे हैं हम चने बटेटे। और हर बार चने, कभी कहीं बार चने बनाए, कहीं बार बटेटे बनाए, दोनों साथ में कभी ज्यादा नहीं बनाए। तो फिर आज बनाएंगे चने बटेटे। और ये धुआं यार देखो यार, पूरे मेरी आंखों में ही आ रहा है इस तरीके से यार। ये लोकेशन यहाँ पे सेट किया है ना यार, कौन इस तरीके है। और मुझे लगता है नमक अभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर पानी उबलेगा तो पूरा नमक बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर से डाल दें और फिर बाद में भी डाल देंगे, ढक देंगे। और आधा घंटा या पौड़ा घंटा अपने हिसाब से भाई पकने देंगे इसे। और पत्थर रखना है, पत्थर ले लो भाई, एक पत्थर आसपास देखो कहीं मिल जाए तो भाई। ये नहीं डालना, ये नहीं, जल जाएगा। और पत्थर रख दो और फिर आग अच्छे से जलानी होगी। ये आ गया अपना पत्थर, चलेगा ना भाई? अरे चलेगा, इस हिसाब से रखना है भाई। अब इसे पकने देते हैं अच्छे तरीके से, तब तक के लिए सब्जियां वगैरह तैयार करेंगे इसमें, जो जो डालना है वो। मस्त मिर्च है, कोथमीर है, प्याज है। और ये यहाँ के अंकल जी ने दिए हमें, जो नीचे पहाड़ों में देते हैं। तो भाई यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया होते हैं यार, हमने हर वीडियो में बताते हैं भाई, क्योंकि उनकी तारीफ करने जैसी होती है यार, तो क्या करें, बहुत बढ़िया होते हैं वो लोग। भाई आलू की आवाज बहुत आ रही है यार। अभी ये बनके रेडी हो चुका है।
आलू उबल गए और फिर सारे मसाले सब अपने रेडी है। कश्मीरी मिर्च है या पहाड़ी? पहाड़ी पहाड़ी मिर्च अंकल जी ने दी थी। घुमाओ अच्छे से घुमाओ। मसाला डालने के बाद बहुत खुशबू बढ़ गई है। अब देते हैं थोड़ा सा पानी। कोथमीर भी डाल दी। अब बाकी है नमक। तीखा बनाना है ना भाई? हाँ टिक्का तो चलेगा भाई। टिक्का ही बनाओ, ठंड में टिक्का खाएंगे, नींद भी अच्छी आएगी। डाल देंगे अपना पूरा चना का मसाला। चना बटेटा सब मसाले में डाल देंगे। कैसा लग रहा है भाई दिखने में? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। थोड़ा पानी। चना मसाला बनके रेडी हो गया भाई। तो भाइयों कैसी खुशबू आ रही है? खुशबू तो टेंट में आ रही है यार। आ रही है भाई। इधर ले आओ खाना है मुझे। अब मजा आएगा ना खाने में। एकदम मसालेदार डिलीशियस बनाए भाई पूरा खाना। तो फ्रेंड्स लोग आप सब लोग एक बार घर पे बना के ट्राई करना भाई। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। इसको निकाल के फेंको भाई। अपना काम पत गया फिर बोलेंगे अब इसको निकाल के फेंको तो भाई ठंडा हो जाएगा ना। हाँ वो सही बात है। यहाँ पे कैंप फायर जला सकेंगे हम। आराम से बोलो यार, रख दो। खाने की बारी है। अपना डिलीशियस डिश तो बन के रेडी हो चुका है। एकदम से लाजवाब बनाया भाई खाने में। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके साथ अगर कोई ऐसी भाई खट्टी चीज यानी नींबू वींबू डाल के और जो कोकम आता है गुजरात के लोग तो जानते हैं भाई, खट्टा मीठा होता है उसे, और इसमें डाल के खाते हैं ना बहुत बढ़िया होता है। सो भाई लोग जो जो भी व्यूअर्स हैं हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने घर पे ये डिश बनाएंगे कि नहीं भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करो कि भाई ये डिश बनाओगे कि नहीं आप। इतनी स्वादिष्ट कौन नहीं बनाता है। हमारे पास यहाँ पे हम उत्तराखंड में आए हैं कितने दिनों से, हमारे पास उसके थोड़े बहुत मसाले जो एक्स्ट्रा डिलीशियस बनाने के लिए डाले जाते हैं वो नहीं है भाई। तो आप अगर अपने घर पे मार्केट से अगर इसका अलग से मसाला ले लो, उस तरीके से मसाला डालोगे तो और बढ़िया बनेगा भाई। पुदीना डालोगे इसमें ज़्यादा लीजिए। फटाफट से अभी
इसे खत्म करेंगे। अभी यहाँ पे मस्त कैंप फायर चल रही है अपनी, लाइटिंग वगैरह देखो पीछे की साइड पे, एकदम से बढ़िया लुक है भाई। नीचे का नजारा मस्त है और सुबह को और मस्त होगा भाई जब मॉर्निंग होगी तब। और यहाँ पे देखो पीछे से कहीं से आवाज आ रही डीजे वगैरह की, तो भाई अगर वीडियोस में उसकी आवाजें ज्यादा आई होगी तो भाई इग्नोर करना यार, ऐसे चलता रहता है, उनको हम जाके मना तो नहीं कर सकते भाई। ओके, और ऐसे जंगल ही जंगल, जंगल में कुछ घर है ऊपर की साइड पे एक इस तरीके से, और मस्त अपने यहाँ पे सोने की इंतजाम भी हो रही है। तो भाई मिलेंगे अब मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग हो गए और देखो वहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला रहे हैं सब। चाय नाश्ता बनाना है कुछ छोटू? हाँ, चाय तो बनाने पड़ेगा यार। और भाई जस्ट अभी बाहर का नज़ारा दिखाएंगे जल्दी से ब्रश व्रश करके, भाई मस्त फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ के पहाड़ों के सीन क्या हो रखे हैं देखो, ऐसे लग रहा है बादल जा रहे हैं भाई यहाँ से। यहाँ पे नीचे की साइड पे देखो पूरा एकदम से यार, देखो के बादल बादल ही लग रहे हैं इस साइड पे, और वहाँ पे सब फोटोशूट हो रहा है थोड़ा बहुत। और लोकेशन देखो किस लोकेशन पे आज नाइट कैंपिंग हुई है भाई, देखो अपनी कैंप फायर भी मस्त जल रही है भाई, और ठंड भाई बहुत है। और तो और सूरज अभी निकलने वाला है वहाँ से, यहाँ से सूरज निकलेगा, थोड़ा बहुत अगर धूप आएगी ना भाई तो अच्छा होगा यार, क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है। और देखो यार एकदम से बढ़िया लोकेशन है यार, ओस इतनी पड़ी है ना भाई कि जैसे लग रहा है कि बारिश हुई है, इतनी तो ओस पड़ी है भाई। अरे भाई साहब ये है भाई अखरोट, यहाँ पे पहाड़ों में होती है, और अंकल जी ने हमें बहुत सारी दी थी भाई, और गुजरात में बहुत महंगा होता है ये, लेकिन यहाँ पे उसके पेड़ पौधे हैं भाई, मैंने अपने वीडियो में दिखाया शायद उसको पेड़ को, अखरोट का पेड़ कैसा होता है देख लो भाई लोगों। अंदर से ऐसा लग रहा है खोपड़ी खोपड़ी है। लो भाई खाओ खाओ, आप भी खाओ। छोटू तेरे नहीं खानी? छोटू को नहीं खाना, नहीं खाता है। ना मिल्क पाउडर आ जाएगा भाई, चाय का असली मजा क्योंकि आज मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा डाला है। जब मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा होता है ना तब चाय और मज़ा आता है। आग जलाऊं? नहीं भाई, थोड़ी 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 रहने दो। अपनी चाय पत्ती बाहर निकलेगा, मस्त उबाल आ गया भाई। अब अपना पैकिंग हो गए यहाँ पे, और आसपास जो जितना भी कूड़ा था हमने प्लास्टिक वगैरह सब यूज़ कर लिया भाई, यहाँ से ले लिया। और भाई ये लोकेशन हमें बार बार याद रही क्योंकि यहाँ पे वादियों में यार कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और था भाई, और ये लोकेशन हमें बहुत याद आएगी जब तक गुजरात जाएंगे तब तक। और चलो यहाँ से अब नीचे उतरते हैं, उस साइड पर बहुत नीचे जाना है भाई हमें यहाँ से। भाई यहाँ पर अंकल जी का कैन मुक भी है, और अंकल जी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर डोर बंद है भाई, तो ये अंकल जी का घर है, उन्हें स्पेशल हम थैंक यू कहना चाहते हैं भाई। जब तक यहाँ हम दो तीन दिन तक आसपास में कैंपिंग किया उस जगह पे, हमें भाई पूरा अंकल जी ने यार सपोर्ट किया, और हमें पूरा अपना है प्यार दिया यार, उन्होंने सब्जियाँ वगैरह सब अपने खेतों में से दी हमें, और ऊपर हमारे लिए रात को भाई लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब लेके आते थे। तो यार अंकल जी को दिल से धन्यवाद, ये उनका घर है, और देखो भाई यहाँ पर कैन रख दिए है। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे कैंपिंग का एंड करते हैं, वहाँ पे हमारा भाई लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।